गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम अभी अपने घर में हैं। इधर देखिए, खाना बना रही है मम्मी। और क्या बना रही है, चलिए दिखाते हैं। आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए क्या बन रहा है, कौची बन रहा है मम्मी? बैंगन के भरता ये देखिए, बैंगन का चटनी है ये। इसको बैगन के भरता बोलते हैं। और इधर देखिए खाने में क्या बन रहा है दोस्तों, दिखा रहे हैं आप लोग को। ये है चावल, एकदम देहाती स्टाइल में चूल्हा पे बन रहा है। एरा में की है, देखिए क्या चकाचक मस्त एकदम। सीम और आलू का सब्जी है गाइज, एकदम जबरदस्त। कौन कौन खाए हैं सीम आलू के सब्जी, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। और ये जो आलू आपको दिख रहा है सीम, ये दोनों ऑर्गेनिक है। इसमें किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग उपजाने में यूज नहीं किए हैं। और ये आलू तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है दोस्तों, हम लोग खुद से इसको उपजाए हैं। और आज कुछ खेत में भी काम है, वहाँ भी जाना है, पटवन करना है। आलू कबाड़े हैं, उस खेत को पटाना है और उसमें सब्जी लगाना है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सब दिखाएंगे क्या। और चलिए आपको थोड़ा आलू भी दिखा देते हैं, जो आलू कबड़ा है ऑर्गेनिक वाला। इधर देखिए रखा हुआ है, थोड़ा लाइट जला लेता हूँ। लाइट जला लेता हूँ दोस्तों रूम में। और ये देखिए हमारा आलू कबड़ गया, ये देखिए कितना मस्त है यार, लाइट जा रहा आ रहा है। ये देखिए दोस्तों आलू कितना मस्त लग रहा है, एकदम फुल्ली ऑर्गेनिक है। और ये सब बोरा में भी देखिए रखे हैं, इसको देखिए उझल देते हैं। नहीं उझले भाई साहब बोल रहा है कि नहीं उझलिए, अभी हरा हरा हो जाएगा। तो इतना ही सारा देख लीजिए आप लोग, ये दो बोरा में 10 किलो आलू में इतना हुआ है दोस्तों। तो देखिए अच्छा रहा है आलू, इससे तो अनुमान लग रहा है। और ये देखिए हम लोग का इसमें, इसको जाता बोलते हैं, इसमें दाल वगैरह दररती है मम्मी। ये बहुत पूर्वजों से चलता आ रहा है हम लोग के यहाँ घर में, बहुत लोगों के घर में रहता है गांव में। तो दोस्तों मेरा नाश्ता हो चुका है और हम चल रहे हैं अपने खेत की ओर। और आपको दिखाते हैं कि हम लोग सिंचाई कैसे करते हैं अपने गांव में। तो दोस्तों देखिए हम अपने खेत में आ गए हैं, इसी खेत को पटाना है। तो देखिए इसी, यही था मेरा ऑर्गेनिक आलू। और ये हमारा भाई कल कबाड़ लिया है, तो कल हमें मालूम नहीं था, हम चले गए थे मार्केट, इसलिए कल का वीडियो नहीं बना पाए। इसलिए देखिए उसके लिए हमें बहुत खेद है। यही देखिए इतना सारा, ज़्यादा नहीं था, 8 पाती आलू था, लगभग 60-70 किलो आलू हो गया है। 10 केजी रोपे थे दोस्तों, और पूरी तरह ऑर्गेनिक था, इसमें किसी तरह का केमिकल वाला फर्टिलाइजर नहीं डाले थे, सिर्फ राख था, गोबर था और पेड़ का पत्ता वगैरह जो सड़ जाता है वही सब था। इसमें किसी भी तरह का यूरिया और DAP कभी भी नहीं किए थे हम लोग। और काफ़ी अच्छा आलू रहा, आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाई है। और इधर देखिए हमारा हरा भरा गाजर बहुत मस्त एकदम जा रहा है, जबरदस्त। और इधर देखिए हमारा चुकंदर, ये है चुकंदर दोस्तों। और उधर हमारा वहाँ पे देखिए वो लहसुन है। और इधर देखिए घास वगैरह भर गया, बहुत दिन से सफाई नहीं की हम लोग, तो चलिए आज कुछ सफाई भी हो जाएगा और इसका पटवन भी हम लोग कर देंगे आज, क्योंकि ये जो आलू कबड़ा है तो इसमें सब्जी लगाने का समय आ गया है, तो अब सब्जी लगेगा, इसको पटा देंगे, उसके बाद इसका कोड़ाई जोताई हो जाएगा।
उसके बाद इसमें सब्जी लग जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, देखिए क्या क्या आज करते हैं दोस्तों। देखिए हम अभी आलू का लत्ती सब इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद इसको पकाएंगे। ये देखिए सब झाड़ झाड़ के हम वहाँ पर रखे जा रहे हैं, सब जमा हो गया वहाँ पर। और इसमें कुछ कुछ आलू भी छूटा हुआ है, जो आलू देखिए निकल रहा है इसमें, आपको दिखा रहा हूँ। भाई साहब हमारा केले का वाड़ा है, केले चुना इसलिए थोड़ा बहुत रह गया है। देखिए कितना कितना मस्त ज़बरदस्त आलू है दोस्तों, देखिए एकदम शानदार प्योर ऑर्गेनिक है, एकदम मस्त। आज इसका पहली बार सब्जी हम लोग खा के यहाँ पे खा रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट है। चलिए अपना काम हम जारी रखते हैं, आपको वीडियो। देखिए दोस्तों हम अपना खेत साफ कर लिए हैं, आलू का देखिए लत्ती सब जमा कर लिया हूं मैं, अब इसका पटवन किया जाएगा। तो चलिए पाइप बिछाते हैं, जरा देखिए पाइप आ गया है मेरा भाई लेके, चलते हैं पाइप बिछाते हैं और इसको पटाएंगे। और देखिए इसमें कितना आलू निकला है, थोड़ा सा लगभग 2 केजी आलू इसमें निकला है। इसको कुछ नहीं, बस इसका लत्ती चुनने में निकला है, बाकी सारा आलू जो है घर जा चुका है। चलिए पाइप बिछाते हैं। देखिए दोस्तों पाइप बिछा दिए हैं और मोटर भी चालू हो गया, पानी भी आना शुरू हो गया है। देखिए ये देखिए और ये देखिए पानी आना शुरू हो गया है, और इधर खेत भी पटना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों इधर देखिए पहुंच गया है यहाँ तक। और इसमें देखिए सब्जी बोआ जाएगा, इसमें पाती कट चुका है। सिंचाई करने के बाद 2-4 दिन बाद इसमें बो दिया जाएगा, भिंडी बोया जाएगा इसमें दोस्तों, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही भिंडी होता है, ठंड में तो नहीं के बराबर समझिए। ठंड के मौसम में भिंडी नहीं कहीं दिखता है, मार्केट में भी नहीं दिखता है आपको। और ये देखिए पानी पहुंच गया है खेत में फाइनली। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमारा पटवन हो चुका है, ये देखिए, और हम जा रहे हैं अब घर। ये देखिए सारा उधर बागवानी भी पट चुका है, सब कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए गाजर में थोड़ा खर पतवार था, ये देखिए हम सब निकाल चुके हैं। ये देखिए इतना सारा इसमें घास वगैरह उग गया था, अब थोड़ा गाजर देखिए साफ दिख रहा है इधर, नहीं तो सिर्फ घास ही घास इसमें दिखाई पड़ रहा था पहले। ये देखिए तो हमारा काम हो चुका है समाप्त। तो फाइनली दोस्तों हमारा काम समाप्त हो चुका है और हम आप घर जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।